स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 3 क्लास 7 मैथ्स के लिए इंग्लिश मीडियम। ठीक है, जो वीकली वर्कशीट आ रही है वही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना, जो आपके पास डेटा है किसी भी चीज़ के लिए, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था डेटा क्या होते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, हम इन्हें क्यों कलेक्ट करते हैं ताकि ये ऑर्गेनाइज हो पाए इकट्ठे और उसके बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए लेट्स फाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्लास 7 में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें, आपको ये पता है कि वर्कशीट मिलती है आप लोगों को ऑनलाइन, ऑफलाइन भी मिलती हैं कुछ जिनको, जैसे स्मार्टफोन नहीं है जो है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिवर्टेड बैक वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप। मान लीजिए व्हाट्सएप पे बच्चे जितने भी हैं, कितने बच्चों ने रिवर्टेड बैक किया, तो उसका हमने डेटा बनाया कि मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक का है, 7 दिन का उन्होंने बनाया, वैसे 6 दिन की वर्कशीट आती है। तो देखिए मंडे को कितने बच्चों ने रिवर्ट किया, 33, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे 46, थर्सडे 29, फ्राइडे 46, सैटरडे 32 एंड 38, संडे। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है कि बच्चों ने वर्कशीट रिवर्ट की है ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, देखिए 3 चीज आपके इसमें आ रही हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीन क्या होता है बच्चों, जो भी आपके पास डेटा है उनको टोटल करना है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेटा, कितने हैं वो। जैसे अब आपके पास ये वर्कशीट कितनी है, मंडे से लेकर कितने डेज होते हैं बच्चों, 7 होते हैं ना, 7 नीचे हमने लिखा और इन सबको हम ऐड कर देंगे, 33 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 29, ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे प्लस 46, 32, 38। तो ऐड करने पे आ रहा है 259/7। अब डिवाइड कीजिए, 37 आ गया। तो इसे कहते हैं मीन। मीन का मतलब क्या हो गया कि जो पूछा जा रहा है कि भाई टोटल उसको आपको कर लेना है अपॉन टोटल नंबर जो भी है, ठीक है, उस टोटल नंबर से हमें डिवाइड करना है। क्लियर हो गया मीन क्या है। मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ें आ रही हैं। मीन मतलब यह है कि आपके पास जो डेटा है उसको टोटल करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करना है। सिंपली आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही है, आज की वर्कशीट में। ठीक है, अगर आपको मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालेंगे हम, इसी में अगर हमें मोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, देखेंगे कि किस डे को, किस किस डे पे वर्कशीट ज़्यादा रिवर्ट हुई है। तो हमने देखा ऑब्जर्व करके कि एक तो वेडनेसडे को 46 एंड और एक फ्राइडे को 46 सबसे ज़्यादा रिवर्टेड हुए हैं इन 2 दिन, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्हों जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 46 सबसे मैक्सिमम जो है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंट डेटा जो है 46 है। ठीक है, तो मोड कितना हो गया 46, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही है ना, फ्रिक्वेंट मतलब कितनी बार, एक ही चीज़ कितनी बार आया, तो 46 दो बार आया तो उसे कहते हैं मोड। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, कोई भी डिजिट जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे मोड कहते हैं। इसका मतलब मोड हमारे डेटा में से ही है। ठीक है, क्या मीन हमारे डेटा में से था, नहीं था ना, मीन तो हमने जब वैल्यू निकाली, टोटल किया और नंबर से डिवाइड कर दिया, तो उसी की वैल्यू उनमें से मीन नहीं है, ये अलग ब्यास था। बट मोड जो है आप देखेंगे 46 दो बार आया है तो मोड 46 ही है। इसका मतलब कि जो मोड जो है उसी नंबर में से होता है जो हमें गिवन होते हैं। ठीक है, सवाल का रूप कोई सा भी हो, होगा ऐसा ही। नाउ मीडियन, तीसरी चीज़ अब रहेगी हमारी मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, आपके पास जो भी डेटा दे रखा होगा उसको आप ऑर्डर में कर देंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दो बात ध्यान रखनी है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अब ये तो हमने ऑर्डर में लगा दिया डेटा को, मान लीजिए ऊपर वाले को ही लगाना था, सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, 29, उसके बाद 32, फिर 33, 35, 38, फिर 46 दो बार, तो हमने लगा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या हम डिक्रीजिंग में भी लगा सकते हैं। अब दूसरी बात है, नंबर हैं कितने, नंबर अगर इवन है या ऑड है, ऑड है तो बीच वाला नंबर ही इसका मीडियन होगा। अगर नंबर हम जो देखेंगे वो इवन है, इवन मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, काउंटिंग में इवन है, तो आपको बीच के दोनों लेने हैं, बीच के दो नंबर लेने हैं और 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे अब ये नंबर कितने हैं गिन लेते हैं, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ये तो ऑड है, तो जो इसको पहले हम ऑर्डर में लगा देंगे और जो 20 का नंबर होगा वही इसका मीडियन होगा। लेकिन अगर ये इवन होता तो हम 20 के दो नंबर लेते और उनको ऐड करके उनको दो से डिवाइड कर देते, यानी उसकी मिडल वैल्यू निकाल लेते, तो इसी को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन बता रहा है ना ये, इफ़ द डेटा इज इवन, अगर डेटा इवन होगा तो दो मिडल वैल्यू लेनी है और उसका एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब टू से डिवाइड करना है, दो है तो दो से डिवाइड, और अगर इवन है तो जो भी मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो तीन बातें आई हैं बच्चों, मीन, मीडियन, मोड। मीन में टोटल करके नंबर से डिवाइड करना है, मोड मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, और मीडियन मीन्स ऑर्डर में लगाना है, या तो मिडल वैल्यू, कोई भी मिडल वैल्यू, ऑड में इवन मिडल वैल्यू या इवन में, इवन अगर है तो दो वैल्यू लेनी है मिडल की, दो से ही डिवाइड करना है। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, हमने पढ़ा था ऊपर कि मोड जो है उसी में से नंबर में से ही है ना, देखिए 46 उसी में से ही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्या आंसर होगा? ट्रू होगा कि मोड जो है उसी में से होता है। मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा, मीन क्या इसी नंबर डेटा में से था, तो हमने इसको निकाल के देखा तो 37 आ रहा था, 37 जबकि इस डेटा के अंदर कहीं भी नहीं है, नहीं है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, नाउ मीडियन इन ऑलवेज, मीडियन भी जो है उल्टा होता है, देखिए ऑड है तो मीडियन वही होगा, लेकिन इवन केस में क्या होगा बच्चों, इवन केस में दो नंबर अलग अलग आ जाएंगे और उनको हम प्लस करके उसका एवरेज निकालेंगे, यानी दो से डिवाइड करेंगे, तो वो कुछ और ही आएगा, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये फॉल्स ही होगा। आपको अगर कोई ट्रू करा भी रहा है तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि दो केस बनते हैं मीडियन के, एक ऑड केस और एक इवन केस, ध्यान रहेगा आपको। अगर ऑड केस है तो उसी में की मिडल वैल्यू होगी संख्या की जो बीचों बीच का है, लेकिन अगर इवन केस है तो बीच के दो लेने हैं मिडल और उसका एवरेज निकालना है, एवरेज मतलब उसको दो से डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, ये मार्क्स हैं इन अ क्लास असेसमेंट, क्लास में टेस्ट है उसके मार्क्स हैं ये। व्हाट इज द रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं, पिछली वर्कशीट में हमारा आया भी था, रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों बताइए। तो रेंज कैसे निकाला था हमने, रेंज था कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब बताइए हाईएस्ट और लोएस्ट क्या है, हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट है 9 और लोएस्ट है 1, अब देख लीजिए 9 से बड़ा कोई नहीं है और 1 से छोटा कोई नहीं है, तो 9 माइनस 1, तो रेंज आ गई हमारी 8, कितनी आ गई बच्चों 8, क्लियर है, हाईएस्ट माइनस टू लोएस्ट 8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, फाइंड अर्थमेटिक मीन, यानी मीन निकालना है, उसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं बच्चों, और मोड एंड मीडियन निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले मीन निकालते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, तो कुछ भी निकालना है इसको ना, आप ऑर्डर में निकाल सकते हैं, अगर ऑर्डर में रख लेंगे तो बड़े आराम से आपका मीन भी निकल जाएगा और मीडियन भी निकल जाएगा, तो हम इसे ऑर्डर में लगाते हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, ठीक है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल लीजिए, जो भी बोलना है आपको, इसको ऑर्डर में लगाइए, तो आप जिस भी ऑर्डर में लगाएंगे इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी आपका मन करे। तो चलिए लगाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हम देखेंगे 1 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक, उसके बाद क्या है बच्चों, 2 है, उसको काउंट कीजिए कितनी बार है, 1 तो 1 बार है, इसको इरेज कर देते हैं 9 को, अब 2 देखिए कितनी बार है, 1, 2 और है क्या, 2 और 2 नहीं है, तो यानी ये 2 बार, इसको हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, 3 कितनी बार है, 1 और है, 3 नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है 3 और है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 4 देखिए, 1, 2, 3 4, 3 टाइम्स है, ठीक है, तो यानी इसको 4 को 3 बार लिख देंगे, 1, 2, 3 ठीक है। ऐसे 5 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 5 तो 5 बार है, इसको हम 5 बार लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल गिन लेना है, ये 20 बार है, ठीक है, 1 तो अब 6 देखिए कितनी बार है, 6 गिन लेते हैं, 1
2, 3, 4, तो 6, 4 बार है, हमने 6, 4 बार लिख लिया, ठीक है। 7 कितनी बार है, 1, 1, 2, 7 2 बार है, ठीक है, तो 7 है 2 बार। अब 8 कितनी बार है बच्चों, 1 बार है, और 9 भी 1 बार है, बाकी सब तो हो गया हमारे पास 8 और 9, तो ये हो गया हमारे पास डेटा। अब सब कुछ निकल जाएगा, 20 है, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 4, 20, टोटल 20 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पूछा अर्थमेटिक मीन, ए एम यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस जितने भी हैं, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस कितनी बार है, 5 बार है ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और 6 कितनी बार है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 7 2 बार है, एंड 8 और 9 1 बार है, और ये है टोटल 20। जितने नंबर होते हैं उनसे हम डिवाइड करते हैं, तो कितना आया बच्चों, करके देखो इसे, कितना आएगा इसको हम करके देखेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स, ये पूरा चेक करके देख लीजिए, 100 आंसर आएगा इसका, ठीक है, अपॉन में 20 है तो ये आ गया 5, ठीक है, इसको मैंने किया है इसलिए मुझे पता है 100 है, आप इसको करके देख लीजिएगा। नाउ अब मोड बताना है, मोड बताना है, तो मोड हम बताएंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे पहले तो आप बताइए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है किसकी, सबसे ज़्यादा बार क्या है, बोलिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 5 की, 5 5 बार है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो मोड भी क्या हो गया, 5 हो गया, क्लियर हो गया, मीन निकलिया, मोड निकल गया। अब बचा मीडियन, मीडियन तो हमने जो है इसको ऑर्डर में लगा ही दिया था, तो ऑर्डर में लगाने के बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर में लगाने के बाद एक एक करके काटते जाते हैं हम, ठीक है, मिडल की दो वैल्यू पकड़नी है, 1 इधर से फिर 1 इधर से, ठीक है, एक आगे से एक पीछे से काटना है, 3 कट गया, 4 कट गए, 5, 6, 7, 8, 8 और ये 9 कट गया, ठीक है, तो बीच को 2 बच गया, 5 और 5, तो ये हमारा आ गया, क्या आया हमारा बच्चों, मीडियन, तो मीडियन जो बीच के 2 होंगे उनका एवरेज निकालेंगे, 2 है ना, तो एवरेज का मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 संख्या है तो 10/2 कितना हुआ बच्चों, 5 हुआ, तो हम देख रहे हैं मीन मीडियन मोड तीनों ही 5 5 5 आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है, रेंज और हमने मीन मीडियन मोड तीनों निकाल लिया, आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा, ये मीडियन है, मोड मीडियन मोड, ठीक है, आप बताइएगा कि मोड कैसे निकालते हैं कमेंट के अंदर, वेट होगा आपका, तब तक के लिए स्टे हेल्दी और स्टे सेफ, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसी तरह से वर्कशीट आप करते रहिए, चलिए बाय बाय।